ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं शिव महाप्राण की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इंद्र के साथ नंदी ने युद्ध करना आरंभ किया। अनल के साथ मुनि भद्र का युद्ध होने लगा। यमराज तथा महाकाल एक दूसरे के सम्मुख जा खड़े हुए तथा निकृति तथा मुंड ने परस्पर युद्ध करते हुए वीरता का प्रदर्शन किया। वरुण के साथ मुंड एवं वायु के साथ भृंगी का युद्ध होने लगा। उस समय इंद्र ने अपने हाथ में वज्र लेकर नंदी के ऊपर प्रहार किया और नंदी ने क्रुद्ध होकर अपने त्रिशूल को इंद्र के ऊपर चलाया। उस चोट से घायल होकर इंद्र पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। परंतु कुछ देर बाद जब उन्हें होश आया तो वे पुनः युद्ध करने लगे। उधर अनल ने शक्ति की चोट द्वारा मुनिभद्र को घायल कर दिया और मुनिभद्र ने भी निर्भय होकर अपने त्रिशूल द्वारा उसका उत्तर दिया। काल दंत ने यमराज को अपने त्रिशूल की चोट से व्याकुल बना दिया। इधर तो ये बड़े बड़े सेनापति परस्पर युद्ध करने में प्रवृत्त थे, उधर भैरव अत्यंत क्रोधित होकर योगिनियों को साथ ले देवताओं की सेना में घुस गए और सबको घायल करते हुए उनका रुधिर पीने लगे। फिर उन्होंने अपने स्वरूप को ऐसा भयानक बनाया कि उसे देखकर अनेक देवता युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। जो देवता खड़े रहे वे उनके तेज तथा प्रकाश को देखकर अत्यंत भयभीत हो भैरव भैरव की पुकार करने लगे। हे नारद, भैरव की भांति क्षेत्रपाल ने भी देवताओं की सेना के अंदर प्रविष्ट होकर उसे कष्ट देना आरंभ कर दिया। नौकाली की देवताओं की सेना को नष्ट करने लगी। वे देवताओं के मस्तक को तोड़कर उनका रुधिर पीती थी और शरीर को खा जाती थी, जिसके कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। उस समय वे सब लोग भागकर विष्णु जी की शरण में जा पहुंचे और इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, इस समय हम लोग बहुत दुखी हैं, अतः आप हमारी सहायता करें। आप हम सबके स्वामी हैं, इसलिए हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि भैरव क्षेत्रपाल तथा काली ने हमारी जो दुर्गति की है उसका आप उचित उपाय करें। विष्णु जी ने जब देवताओं की उस दयनीय दशा को देखा तो उन्होंने अत्यंत क्रोध में भरकर क्षेत्रपाल की ओर अपना चक्र छोड़ दिया। उस चक्र के तेज से संपूर्ण दिशाएं भस्म सी होने लगी। जब क्षेत्रपाल ने उस प्रज्वलित ज्योति को इस प्रकार अपनी ओर आते देखा तो उसने वह चक्र अपने मुख में डाल लिया। यह देखकर विष्णु जी ने क्षेत्रपाल के गाल पर अपनी गदा का प्रहार किया, जिसके कारण वह मुंह के बल पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे नारद, उस अवस्था को देखकर काली जी विष्णु जी के सम्मुख जा पहुंची। उन्हें देखकर विष्णु जी ने जितने बाण चलाए उन सबको वे सहजी में खा गईं। तब विष्णु जी ने अपने नंदक नामक खड़क का प्रहार कर उनके ऊपर किया। उसे काली जी ने पकड़कर तोड़ डाला। यह दृश्य देखकर विष्णु जी ने काली के साथ युद्ध करना बंद कर दिया और भैरव के समीप जा पहुंचे। विष्णु जी ने भैरव के ऊपर जब अपना चक्र चलाया तो भैरव ने उसे सहज ही काट कर गिरा दिया। तदुपरांत उन्होंने अपने मृत्यु के समान भयानक बाणों द्वारा विष्णु जी पर प्रहार करना आरंभ कर दिया। विष्णु जी ने भी उनके बाणों को बीच में काट कर सबको निष्फल बना दिया। इस प्रकार विष्णु जी तथा भैरव का युद्ध बहुत देर तक होता रहा। उस युद्ध को सब देवता अलग खड़े होकर देखते रहे। तदुपरांत भैरव ने उस प्रलयकर्ता त्रिशूल को अपने हाथ में उठाया, जो बिना प्राण लिए कभी नहीं रुकता था। भैरव के क्रोध को इस प्रकार बढ़ता देखकर वीरभद्र दौड़ते हुए उनके पास जा पहुंचे और अनेक प्रकार से उनकी प्रशंसा करते हुए बोले, हे भैरव जी, आप ऐसा क्रोध ना करें, क्योंकि शिव जी ने इतनी कठिन आज्ञा नहीं दी है। विष्णु जी भी शिव जी के ही रूप हैं, अतः सेवक को अपने स्वामी के विरुद्ध ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भैरव जी ने अपने त्रिशूल को रोक लिया। तदुपरांत वीरभद्र स्वयं विष्णु जी से युद्ध करने लगे। हे नारद, जब विष्णु जी ने देखा कि वीरभद्र पर सहजी विजय पाना संभव नहीं है, तब उन्होंने योग माया द्वारा अपने ही समान असंख्य गणों को उत्पन्न किया। वे सब गरुड़ पर आरूढ़ थे और शंख चक्र गदा तथा पदम को अपने हाथ में धारण किए हुए थे। वे उत्पन्न होते ही शिवगणों से युद्ध करने लगे। उन्होंने अपनी वाण वर्षा शंख ध्वनि चक्र तथा गदा आदि से शिवगणों को व्याकुल कर दिया। यह दशा देखकर वीरभद्र ने भगवान सदाशिव का ध्यान धरकर अपना त्रिशूल चलाया।
उस त्रिशूल के चलते ही विष्णु जी के गण भस्म होने लगे और देखते ही देखते अदृश्य हो गए। यह दशा देखकर विष्णु जी ने अत्यंत क्रोध कर वीरभद्र को मार डालने की इच्छा से उनके मस्तक पर अपनी गदा का एक कड़ा प्रहार किया। तब वीरभद्र ने उनकी मनोविलासा को जानते हुए अपना त्रिशूल उनकी छाती में मारकर उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। विष्णु जी के इस प्रहार से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर जाने से चारों ओर हाहाकार मचने लगा। परंतु कुछ देर बाद ही विष्णु जी उठकर खड़े हो गए। तब वीरभद्र को मारने के लिए उन्होंने अपने चक्र को हाथ में उठा लिया। उस समय विष्णु जी का स्वरूप अत्यंत भयानक हो गया। ऐसा प्रतीत होता था मानो आज वे अपने चक्र द्वारा प्रलय काल उपस्थित कर देंगे। हे नारद, वीरभद्र ने जब विष्णु जी के उस तेजस्वी स्वरूप को देखा तो मन ही मन भगवान सदाशिव के श्री चरणों का ध्यान किया। उस समय शिव जी ने वीरभद्र को अभय दान देते हुए अपने शत्रु का प्रहार सहन करने की सामर्थ्य प्रदान की। उधर विष्णु जी भी पर्वत शिखर के समान निश्चल भाव से खड़े थे। अस्तु सर्वप्रथम वीरभद्र ने अपने पवित्र बाणों द्वारा विष्णु जी के धनुष के दो टुकड़े कर डाले। विष्णु जी भी प्रबोधन मंत्र का त्याग कर जड़ता से मुक्त हो अपने सामर्थ्य को प्राप्त कर चुके थे। अस्तु उस समय का दृश्य देखकर मैंने अर्थात ब्रह्मा ने विष्णु जी से कहा, हे प्रभु, होनहार किसी के मिटाए नहीं मिटती। यद्यपि आपने दक्ष की रक्षा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी, परंतु उसका भाग ही इस समय विपरीत है, इसलिए आप इस युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। वीरभद्र इस यज्ञ को अवश्य नष्ट करके मानेगा। शिव जी के क्रोध के साथ ही साथ इसका यह भी एक कारण है कि दधीचि मुनि ने भी इस यज्ञ को नष्ट होने का श्राप दिया है। यदि ब्राह्मणों के वाक्य को सत्य न माना जाए तो संपूर्ण सृष्टि छली एवं नास्तक हो जाएगी। अस्तु आप युद्ध करना बंद कर दें। जिस समय भगवान सदाशिव पुनः कृपालु होंगे उस समय बिगड़े हुए सभी कार्य स्वतः ही बन जाएंगे। आपकी और शिव जी की लीला अपार है, उसका वेद कोई नहीं जान सकता। हे नारद, मेरी इस बात को सुनकर विष्णु जी युद्ध बंद करके अपने लोक को चले गए और मैं भी अपने लोक को चला आया, क्योंकि मैं यह जानता था कि जब शिव जी पुनः दयालु होंगे तभी विंगड़ा कार्य बन सकेगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जिस समय विष्णु जी अपने लोक को चले गए उस समय यज्ञ देवता को अत्यंत शोक हुआ। वह मृग का रूप धारण कर उस स्थान से भाग चला, परंतु वीरभद्र ने उसे तुरंत ही पकड़ लिया। तदुपरांत उन्होंने उसके मस्तक को धड़ से काट कर यज्ञ कुंड में डाल दिया। फिर वे अत्यंत क्रुद्ध हो बारंबार गरजते हुए यज्ञ मंडप के समीप पहुंचे। भैरव क्षेत्रपाल तथा काली आदि ने यज्ञ स्थल पर उपस्थित सभी लोगों को इस प्रकार पकड़ा मानो वे कोई चोर हो। कोई शिवगण देवताओं को पकड़ता, कोई मुनियों को बांधता था, कोई विष्णु के घंटे तोड़ता था और कोई यज्ञ कुंड को ठंडा करने के लिए उसमें जल डाल रहा था। सभी शिवगण अपने शत्रुओं के साथ घोर युद्ध कर रहे थे और यज्ञ मंडप को गिराने में संलग्न थे। उन्होंने अपने मुदगरों की चोट से अनेक के हाथ पांवों को कुचल दिया और यज्ञ पात्रों को तोड़कर नदी में फेंक दिया। किसी ने देवताओं के शरीर को काटा, किसी ने ऋषि मुनियों को दुख दिया, किसी ने यज्ञ कुंड को खोद डाला और किसी ने सभा स्थल अंतपुर तथा विहार स्थल को जड़ से खोद कर नष्ट कर दिया। हे नारद, इसके उपरांत वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ लिया, नंदी ने सूर्य देवता को बंदी बनाया, मणिमान ने भृगु ऋषि को पकड़ा और चंडी ने पूषा को बांध लिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं को भी उन्होंने बंदी बना लिया। जो देवता कहीं जाकर छिप गए थे उन सबको भी वे ढूंढ कर ले आए। मणिमान ने अत्यंत क्रोध में भरकर भृगु मुनि की मूछें उखाड़ ली और उन्हें नगर में घुमाकर सब लोगों को भयभीत कर दिया। तदुपरांत नन्नीश्वर ने क्रुद्ध होकर भृगु मुनि के नेत्र निकाल दिए, क्योंकि उन्होंने दक्ष प्रजापति को बहकाकर शिवजी के विरुद्ध कर दिया था। जो व्यक्ति शिवजी के विरुद्ध जाने का उपदेश करे उसकी आंखें निकाल लेना ही उचित है। उधर चंडी ने पूषा के उन दांतों को तोड़ दिया जिन्हें खोलकर उन्होंने शिवजी का उपहास किया था। हे नारद, इसके पश्चात वीरभद्र ने अत्यंत क्रोध में भरकर दक्ष प्रजापति को पृथ्वी पर पटक दिया और उसकी छाती पर पांव रखकर उसका सिर काट डालने की इच्छा की, परंतु अनेक हथियारों का प्रयोग करने पर भी वे ना तो दक्ष का मस्तक ही काट सके और ना उसे कोई कष्ट ही पहुंचा सके। यह दशा देखकर
वीरभद्र ने शिव जी का ध्यान किया और उस ध्यानावस्था में उनसे आज्ञा प्राप्त की कि दक्ष के सिर को जोर से मरोड़ कर तोड़ डालें। वीरभद्र ने ऐसा ही आचरण किया, तदुपरांत उस कटे हुए मस्तक को यज्ञ कुंड में डालकर जला दिया। फिर अत्यंत क्रोध करके उसके शरीर को काटा और उस कटे हुए शरीर के हिस्सों को कश्यप तथा धर्मराज के हाथों में रख दिया। फिर उन्होंने धृष्टनेमि को बहुत दुख दिया और अंगिरा ऋषि को लातों से मारा। फिर जिस प्रकार उन्होंने शांतनु को मारा था, उसी प्रकार अन्य ऋषि मुनियों को भी मार डाला। फिर कश्यप की पत्नी की नाक को उन्होंने अपने नखों से काट डाला, जिसके कारण देवताओं की माता अदिति उस अंग को ही खो बैठी। इस प्रकार जिसके लिए जैसा उचित था वैसा दंड दे दिया। हे नारद, भगवान सदाशिव ने अपना तिरस्कार करने वाले लोगों को इस प्रकार यथोचित फल देकर अपनी महत्ता को प्रतिष्ठापित किया। शिव जी के बिना जो देवता यज्ञ में अपना भाग लेना चाहते थे, वे सब या तो मारे गए या घायल हुए। इस प्रकार दक्ष का यज्ञ संपूर्ण रूप से नष्ट हो गया। हे पुत्र, शिव जी से शत्रुता रखने वाले को इसी प्रकार का दुख भोगना पड़ता है। सहस्त्रों उपाय करने पर भी जब तक शिव जी का पूजन नहीं किया जाता, तब तक किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं होती। शिव जी सबसे बड़े और सबके स्वामी हैं। उनकी महिमा ऐसी अपार है कि आज तक उसे कोई जान नहीं सका। जो लोग प्रेम पूर्वक शिव जी की सेवा एवं पूजा करते हैं, उन्हें किसी प्रकार दुख नहीं उठाना पड़ता, क्योंकि सदा शिव सदैव उनकी सहायता करते रहते हैं। शिव जी अपने भक्तों के उस पाप को भी नष्ट कर देते हैं जो पिछले पाप कर्मों के कारण प्राप्त होता है। शिव जी के विपरीत चलने वाला मनुष्य इस संसार में तो दुख ही पाता है, अंत में दंडनीय होकर नरकवास भी करता है। शिव जी की आराधना किए बिना जो कार्य किया जाता है, उसका परिणाम इसी प्रकार दुखदायी होता है। आज तो इस प्रकार दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने के उपरांत वीरभद्र भगवान सदाशिव के समीप जा पहुंचे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इंद्र के साथ नंदी ने युद्ध करना आरंभ किया, अनल के साथ मुनि भद्र का युद्ध होने लगा, यमराज तथा महाकाल एक दूसरे के सम्मुख जा खड़े हुए तथा निकृति तथा मुंड ने परस्पर युद्ध करते हुए वीरता का प्रदर्शन किया। वरुण के साथ मुंड एवं वायु के साथ भृंगी का युद्ध होने लगा। उस समय इंद्र ने अपने हाथ में वज्र लेकर नंदी के ऊपर प्रहार किया और नंदी ने क्रुद्ध होकर अपने त्रिशूल को इंद्र के ऊपर जलाया। उस चोट से घायल होकर इंद्र पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। परंतु कुछ देर बाद जब उन्हें होश आया तो वे पुनः युद्ध करने लगे। उधर अनल ने शक्ति की चोट द्वारा मुनि भद्र को घायल कर दिया और मुनि भद्र ने भी निर्भय होकर अपने त्रिशूल द्वारा उसका उत्तर दिया। काल दंत ने यमराज को अपने त्रिशूल की चोट से व्याकुल बना दिया। इधर तो ये बड़े बड़े सेनापति परस्पर युद्ध करने में प्रवृत्त थे, उधर भैरव अत्यंत क्रोधित होकर योगिनियों को साथ ले देवताओं की सेना में घुस गए और सबको घायल करते हुए उनका रुधिर पीने लगे। फिर उन्होंने अपने स्वरूप को ऐसा भयानक बनाया कि उसे देखकर अनेक देवता युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। जो देवता खड़े रहे वे उनके तेज तथा प्रकाश को देखकर अत्यंत भयभीत हो भैरव भैरव की पुकार करने लगे। हे नारद, भैरव की भांति क्षेत्रपाल ने भी देवताओं की सेना के अंदर प्रविष्ट होकर उसे कष्ट देना आरंभ कर दिया। नौकाली की देवताओं की सेना को नष्ट करने लगी। वे देवताओं के मस्तक को तोड़कर उनका रुधिर पीती थीं और शरीर को खा जाती थीं, जिसके कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। उस समय वे सब लोग भागकर विष्णु जी की शरण में जा पहुंचे और इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, इस समय हम लोग बहुत दुखी हैं, अतः आप हमारी सहायता करें। आप हम सबके स्वामी हैं, इसलिए हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि भैरव क्षेत्रपाल तथा काली ने हमारी जो दुर्गति की है उसका आप उचित उपाय करें। विष्णु जी ने जब देवताओं की उस दयनीय दशा को देखा तो उन्होंने अत्यंत क्रोध में भरकर क्षेत्रपाल की ओर अपना चक्र छोड़ दिया। उस चक्र के तेज से संपूर्ण दिशाएं भस्म सी होने लगी। जब क्षेत्रपाल ने उस प्रज्वलित ज्योति को इस प्रकार अपनी ओर आते देखा तो उसने वह चक्र अपने मुख में डाल लिया।
यह देखकर विष्णु जी ने क्षेत्रपाल के गाल पर अपनी गदा का प्रहार किया, जिसके कारण वह मुंह के बल पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे नारद, उस अवस्था को देखकर काली जी विष्णु जी के सम्मुख जा पहुंची। उन्हें देखकर विष्णु जी ने जितने वान चलाई उन सबको वे सहजी में खा गईं। तब विष्णु जी ने अपने नंदक नामक खड़क का प्रहार कर उनके ऊपर किया, उसे काली जी ने पकड़कर तोड़ डाला। यह दृश्य देखकर विष्णु जी ने काली के साथ युद्ध करना बंद कर दिया और भैरव के समीप जा पहुंचे। विष्णु जी ने भैरव के ऊपर जब अपना चक्र चलाया तो भैरव ने उसे सहज ही काट कर गिरा दिया। तदुपरांत उन्होंने अपने मृत्यु के समान भयानक बाणों द्वारा विष्णु जी पर प्रहार करना आरंभ कर दिया। विष्णु जी ने भी उनके बाणों को बीच में काट कर सबको निष्फल बना दिया। इस प्रकार विष्णु जी तथा भैरव का युद्ध बहुत देर तक होता रहा। उस युद्ध को सब देवता अलग खड़े होकर देखते रहे। तदुपरांत भैरव ने उस प्रलयकर्ता त्रिशूल को अपने हाथ में उठाया, जो बिना प्राण लिए कभी नहीं रुकता था। भैरव के क्रोध को इस प्रकार बढ़ता देखकर वीरभद्र दौड़ते हुए उनके पास जा पहुंचे और अनेक प्रकार से उनकी प्रशंसा करते हुए बोले, हे भैरव जी, आप ऐसा क्रोध ना करें, क्योंकि शिव जी ने इतनी कठिन आज्ञा नहीं दी है। विष्णु जी भी शिव जी के ही रूप हैं, अतः सेवक को अपने स्वामी के विरुद्ध ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भैरव जी ने अपने त्रिशूल को रोक लिया। तदुपरांत वीरभद्र स्वयं विष्णु जी से युद्ध करने लगे। हे नारद, जब विष्णु जी ने देखा कि वीरभद्र पर सहजी विजय पाना संभव नहीं है, तब उन्होंने योग माया द्वारा अपने ही समान असंख्य गणों को उत्पन्न किया। वे सब गरुड़ पर आरूढ़ थे और शंख, चक्र, गदा तथा पदम को अपने हाथ में धारण किए हुए थे। वे उत्पन्न होते ही शिवगणों से युद्ध करने लगे। उन्होंने अपनी वाण वर्षा, शंख ध्वनि, चक्र तथा गदा आदि से शिवगणों को व्याकुल कर दिया। यह दशा देखकर वीरभद्र ने भगवान सदाशिव का ध्यान धरकर अपना त्रिशूल चलाया। उस त्रिशूल के चलते ही विष्णु जी के गण भस्म होने लगे और देखते ही देखते अदृश्य हो गए। यह दशा देखकर विष्णु जी ने अत्यंत क्रोध कर वीरभद्र को मार डालने की इच्छा से उनके मस्तक पर अपनी गदा का एक कड़ा प्रहार किया। तब वीरभद्र ने उनकी मनोविलासा को जानते हुए अपना त्रिशूल उनकी छाती में मारकर उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। विष्णु जी के इस प्रहार से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर जाने से चारों ओर हाहाकार मचने लगा। परंतु कुछ देर बाद ही विष्णु जी उठकर खड़े हो गए। तब वीरभद्र को मारने के लिए उन्होंने अपने चक्र को हाथ में उठा लिया। उस समय विष्णु जी का स्वरूप अत्यंत भयानक हो गया। ऐसा प्रतीत होता था मानो आज वे अपने चक्र द्वारा प्रलय काल उपस्थित कर देंगे। हे नारद, वीरभद्र ने जब विष्णु जी के उस तेजस्वी स्वरूप को देखा तो मन ही मन भगवान सदाशिव के श्री चरणों का ध्यान किया। उस समय शिव जी ने वीरभद्र को अभय दान देते हुए अपने शत्रु का प्रहार सहन करने की सामर्थ्य प्रदान की। उधर विष्णु जी भी पर्वत शिखर के समान निश्चल भाव से खड़े थे। अस्तु, सर्वप्रथम वीरभद्र ने अपने पवित्र बाणों द्वारा विष्णु जी के धनुष के दो टुकड़े कर डाले। विष्णु जी भी प्रबोधन मंत्र का त्याग कर जड़ता से मुक्त हो अपनी सामर्थ्य को प्राप्त कर चुके थे। अस्तु, उस समय का दृश्य देखकर मैंने अर्थात ब्रह्मा ने विष्णु जी से कहा, हे प्रभु, होनहार किसी के मिटाए नहीं मिटती। यद्यपि आपने दक्ष की रक्षा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी, परंतु उसका भाग ही इस समय विपरीत है, इसलिए आप इस युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। वीरभद्र इस यज्ञ को अवश्य नष्ट करके मानेगा। शिव जी के क्रोध के साथ ही साथ इसका यह भी एक कारण है कि दधीचि मुनि ने भी इस यज्ञ को नष्ट होने का श्राप दिया है। यदि ब्राह्मणों के वाक्य को सत्य न माना जाए तो संपूर्ण सृष्टि छली एवं नास्तक हो जाएगी। अस्तु, आप युद्ध करना बंद कर दें। जिस समय भगवान सदा से पुनः कृपालु होंगे उस समय बिगड़े हुए सभी कार्य स्वतः ही बन जाएंगे। आपकी और शिव जी की लीला अपार है, उसका वेद कोई नहीं जान सकता। हे नारद, मेरी इस बात को सुनकर विष्णु जी युद्ध बंद करके अपने लोक को चले गए और मैं भी अपने लोक को चला आया, क्योंकि मैं यह जानता था कि जब शिव जी पुनः दयालु होंगे तभी विंगड़ा कार्य बन सकेगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जिस समय विष्णु जी अपने लोक को चले गए उस समय यज्ञ देवता को अत्यंत शोक हुआ। वह मृग का रूप धारण कर उस स्थान से भाग चला, परंतु वीरभद्र ने उसे तुरंत ही पकड़ लिया। तदुपरांत उन्होंने उसके मस्तक को धड़ से काट कर यज्ञ कुंड में डाल दिया।
फिर वे अत्यंत क्रुद्ध हो बारंबार गरजते हुए यज्ञ मंडप के समीप पहुंचे। भैरव क्षेत्रपाल तथा काली आदि ने यज्ञ स्थल पर उपस्थित सभी लोगों को इस प्रकार पकड़ा मानो वे कोई चोर हो। कोई शिवगण देवताओं को पकड़ता, कोई मुनियों को बांधता था, कोई विष्णु के घंटे तोड़ता था और कोई यज्ञ कुंड को ठंडा करने के लिए उसमें जल डाल रहा था। सभी शिवगण अपने शत्रुओं के साथ घोर युद्ध कर रहे थे और यज्ञ मंडप को गिराने में संलग्न थे। उन्होंने अपने मुदगरों की चोट से अनेक के हाथ पांव को कुचल दिया और यज्ञ पात्रों को तोड़कर नदी में फेंक दिया। किसी ने देवताओं के शरीर को काटा, किसी ने ऋषि मुनियों को दुख दिया, किसी ने यज्ञ कुंड को खोद डाला और किसी ने सभा स्थल अंतपुर तथा विहार स्थल को जड़ से खोद कर नष्ट कर दिया। हे नारद, इसके उपरांत वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ लिया, नंदी ने सूर्य देवता को बंदी बनाया, मणिमान ने भृगु ऋषि को पकड़ा और चंडी ने पूषा को बांध लिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं को भी उन्होंने बंदी बना लिया। जो देवता कहीं जाकर छिप गए थे उन सबको भी वे ढूंढ कर ले आए। मणिमान ने अत्यंत क्रोध में भरकर भृगु मुनि की मूछें उखाड़ ली और उन्हें नगर में घुमाकर सब लोगों को भयभीत कर दिया। तदुपरांत नंदीश्वर ने क्रुद्ध होकर भृगु मुनि के नेत्र निकाल दिए क्योंकि उन्होंने दक्ष प्रजापति को बहकाकर शिवजी के विरुद्ध कर दिया था। जो व्यक्ति शिवजी के विरुद्ध जाने का उपदेश करे उसकी आंखें निकाल लेना ही उचित है। उधर चंडी ने पूषा के उन दांतों को तोड़ दिया जिन्हें खोलकर उन्होंने शिवजी का उपहास किया था। हे नारद, इसके पश्चात वीरभद्र ने अत्यंत क्रोध में भरकर दक्ष प्रजापति को पृथ्वी पर पटक दिया और उसकी छाती पर पांव रखकर उसका सिर काट डालने की इच्छा की, परंतु अनेक हथियारों का प्रयोग करने पर भी वे ना तो दक्ष का मस्तक ही काट सके और ना उसे कोई कष्ट ही पहुंचा सके। यह दशा देखकर वीरभद्र ने शिवजी का ध्यान किया और उस ध्यानावस्था में उनसे आज्ञा प्राप्त की कि दक्ष के सिर को जोर से मरोड़ कर तोड़ डाले। वीरभद्र ने ऐसा ही आचरण किया, तदुपरांत उस कटे हुए मस्तक को यज्ञ कुंड में डालकर जला दिया, फिर अत्यंत क्रोध करके उसके शरीर को काटा और उस कटे हुए शरीर के हिस्सों को कश्यप तथा धर्मराज के हाथों में रख दिया। फिर उन्होंने धृष्टनेमी को बहुत दुख दिया और अंगरा ऋषि को लातों से मारा। फिर जिस प्रकार उन्होंने शांतनु को मारा था उसी प्रकार अन्य ऋषि मुनियों को भी मार डाला। फिर कश्यप की पत्नी की नाक को उन्होंने अपने नखों से काट डाला जिसके कारण देवताओं की माता अदिति उस अंग को ही खो बैठी। इस प्रकार जिसके लिए जैसा उचित था वैसा दंड दे दिया। हे नारद, भगवान सदाशिव ने अपना तिरस्कार करने वाले लोगों को इस प्रकार यथोचित फल देकर अपनी महत्ता को प्रतिष्ठापित किया। शिव जी के बिना जो देवता यज्ञ में अपना भाग लेना चाहते थे वे सब या तो मारे गए या घायल हुए। इस प्रकार दक्ष का यज्ञ संपूर्ण रूप से नष्ट हो गया। हे पुत्र, शिवजी से शत्रुता रखने वालों को इसी प्रकार का दुख भोगना पड़ता है। सहस्त्रों उपाय करने पर भी जब तक शिवजी का पूजन नहीं किया जाता तब तक किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं होती। शिवजी सबसे बड़े और सबके स्वामी हैं। उनकी महिमा ऐसी अपार है कि आज तक उसे कोई जान नहीं सका। जो लोग प्रेम पूर्वक शिवजी की सेवा एवं पूजा करते हैं उन्हें किसी प्रकार दुख नहीं उठाना पड़ता क्योंकि सदा शिव सदैव उनकी सहायता करते रहते हैं। शिव जी अपने भक्तों के उस पाप को भी नष्ट कर देते हैं जो पिछले पाप कर्मों के कारण प्राप्त होता है। शिव जी के विपरीत चलने वाला मनुष्य इस संसार में तो दुख ही पाता है, अंत में दंडनीय होकर नरकवास भी करता है। शिव जी की आराधना किए बिना जो कार्य किया जाता है उसका परिणाम इसी प्रकार दुखदायी होता है। अस्तु, इस प्रकार दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने के उपरांत वीरभद्र भगवान सदाशिव के समीप जा पहुंचे। बोलो शिव महाप्राण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।